इसके सामने हम गुस्सा कर सकते हैं, कुछ भी आ नहीं रहा है, हम चूज कर रहे हैं वो करना, हम चूज कर रहे हैं, हम कोई आउट ऑफ कंट्रोल मशीन नहीं है जो कहीं भी कुछ भी करने लग जाते हैं, नहीं करते हैं। हमें मालूम है क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं हम, कुछ भी कर रहे हैं, जिस दिन हमें पता चल गया कि ये फाइन पड़ जाएगा उस दिन हम करना बंद कर देंगे। तो जहां मुझे पता है कि मेरा नुकसान होने वाला है, मैंने वो वाला कर्म फिर नहीं करना। गुस्से का नुकसान देखें अपने ऊपर कितना है, इससे बड़ा फाइन कोई नहीं हो सकता। और ट्रैफिक पुलिसमैन के 1,000 रुपए के फाइन से बचने के लिए हम बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। शरीर जब खराब होगा सारा खर्चा करके भी ठीक नहीं हो पाता वो। फिर आज अगर डिसाइड करें आज हो जाएगा, प्रोवाइडेड डिसाइड करें कि इसका मेरे जीवन में कितना नुकसान है। गुस्सा एक ऐसी इमोशन है जो इनर बैटरी को फटाफट से डिप्लीट कर देती है, और जब ये बैटरी डिप्लीट हो जाती है तो इसके अंदर और बीमारियां इजीली आ जाती हैं। डर, इनसिक्योरिटी, जेलेसी, ये कमज़ोर आत्मा की निशानी है। अगर हम एक चीज़ पर भी अपने आप को बचा लें, शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी, बाकी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। टेंशन होती है हमें, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, ऐसा क्यों किया, ऐसे ये बात करने का तरीका बन जाता है। इट्स ओनली अ हैबिट, आदत है। कैसे बनी आदत? आदत कैसे बनी? कोई भी चीज़ 5, 10, 15 बार कर लिया आदत बन गई। आदत बदल सकती है? किसी के अंदर बात करते हुए गलत शब्द यूज़ करने की आदत? आदत है, कुछ नहीं है। और अगर हम आदत को चेंज नहीं करेंगे तो हम जीवन भर, और जब हमें समझ में आता है कि शरीर नहीं आत्मा हो, तो अनेक जीवन वही आदत लेके चलेंगे। और अगर आज आदत बदल दी तो ये जन्म का भी इन्वेस्टमेंट हो गया, आगे का भी हो गया, क्योंकि आत्मा की रिकॉर्डिंग चेंज हो गई है। आदत, अब क्या हुआ, ये वर्ड आदत को हमने ये सोच लिया कि आदत मीन्स परमानेंट, आदत मीन्स वो जिसको जब चाहे चेंज किया जा सकता है, जब चाहे चेंज किया जा सकता है। आदत वो नहीं जो परमानेंट। अगर सामने से कोई हमें गुस्सा कर रहा है, उसकी अपनी आंतरिक स्थिति कैसी है? यू नो, वी ओनली नीड टू विजुअलाइज कि कोई व्यक्ति आराम से न बात करके जब बात करता है तो उसकी अंदर हालत कैसी है, अंदर हालत कैसी है, अंदर वो आत्मा कितनी तकलीफ में है। हमें क्यों बुरा लगता है? हमें लगता है मुझे गुस्सा किया, मुझे गुस्सा किया, मुझे गुस्सा नहीं किया, वो मुझे गुस्सा नहीं किया, वो जैसे हैं वैसे बात किया। अगर सामने वाला व्यक्ति अंदर से शांत है, स्टेबल है, आप पाप करके आ जाओ, वो गुस्से से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी है नहीं। और अगर सामने वाला व्यक्ति अशांत है, आपने सब कुछ भी ठीक किया हो, तो भी उसका बात करने का तरीका कैसा है? अशांत है। तो इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट देम। तो जो गुस्सा कर रहा है या हर बात में गलतियां ढूंढ रहा है, उसके अंदर से स्थिति कैसी है, उसके अंदर से स्थिति कैसी है?
वो अंदर से बहुत बहुत दर्द में है। अगर कोई अंदर से दर्द में है तो वो हमें बाहर क्या देने वाला है? उसको दर्द में देखकर हमें उसके बारे में कैसा सोचना चाहिए? जैसे घर में कभी कोई बीमार होता है तो बीमार व्यक्ति थोड़ा सा क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है ना? तो बीमार व्यक्ति जब चिड़चिड़ा हो जाता है तो घर के लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं? कोई बात नहीं ना, बीमार है ना। ऐसे वो भी क्या है? बीमार है। सिर्फ शरीर थोड़ी बीमार होता है, शरीर की बीमारी से कई 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 गुना ज़्यादा दर्द होता है जब मन बीमार होता है। किसी को अंदर से अगर ईर्ष्या है तो मालूम है अंदर से वो व्यक्ति कैसा होगा? वो खुशी नहीं हो सकता है, वो अपनी असफलता पे रोता ही जा रहा है अंदर, वो दूसरों की सफलता देखकर उसको तकलीफ ही होती जा रही है अंदर। इतना दर्द तो कोई शरीर की बीमारी भी नहीं देती है। तो ऐसा व्यक्ति हमारे बारे में कैसा बोलेगा? तो जो भी अंदर से मन से थोड़ा बीमार है, ऐसे व्यक्ति से उदास नहीं, नाराज नहीं, ऐसे व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना। और जैसे ही शुभ भावना रखी तो कौन बच गया? सबसे पहले, सबसे पहले हम बच गए। फिर हमारे से कौन सी वाइब्रेशन गई? वो वाली वाइब्रेशन गई, वो भी हील होने लगे। एंड सचमुच वे दर्द में है। ये युग कलयुग है। कलयुग इसको तभी कहा जाता है जहाँ आत्माएं कलह कलेश दुख अशांति में हैं। हर एक के घर में क्या क्या हो रहा है? आप जब ऑफिस पहुँचते हैं 9 बजे, हर एक अपने घर से क्या क्या पीछे छोड़कर आता है, तो वो सारी स्थिति वो अपने माइंड पे कैरी करता है। डू नॉट एक्सपेक्ट बेस्ट ऑफ बिहेवियर्स। हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? इमेजिन अगर हम हॉस्पिटल में जाएं और हम कहें कमाल है, ये भी बीमार है, ये भी बीमार है, ये भी बीमार है, ये भी बीमार है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सारे ही बीमार हैं? तो दूसरा जनक कहेगा कहाँ है वो? ये कलयुग है। कलयुग में लोगों से सत्युग वाला व्यवहार एक्सपेक्ट नहीं करना। कलयुग मतलब ही जहाँ आत्माएं बीमार हैं, आत्मा बीमार के साथ लोग शरीर की बीमारी भी कैरी कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा व्यवहार काफ़ी इरिटेबल हो जाता है। वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैल जाता है। हमें अपने आप को उस वाइब्रेशन से क्या करना है? जब दो लोग मिलते हैं, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। अगर उन्होंने डांटा, या तो उनका प्रभाव हम पर पड़ जाएगा और हम भी ऐसे हो जाएंगे, और अगर हमने अपने आप को बचा लिया तो हमारा प्रभाव उन पर पड़ेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं? उन्होंने गुस्सा किया तो नेचुरली मुझे बुरा तो लगना ही था। नहीं, नेचुरल नहीं है, चॉइस है, चॉइस है। अगर अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे, अगली बार सिर्फ देखें उनको उस स्थिति में, कितनी जोर से गुस्सा कर रहे हैं, अंदर कितना दर्द हो रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा अंदर। जैसे ये थॉट आएगी कि उनको कितना दर्द हो रहा है, फिर अपने दर्द के बारे में नहीं सोचेंगे। ज्यादा नुकसान किसका होता है? जो डांट रहा होता है या जो डांट खा रहा होता है? फिर तो हमें तो उस आत्मा की क्या करनी चाहिए? उस टाइम क्या करनी चाहिए? हमें हीलिंग करनी है। सारा दिन यही फ्रीक्वेंसी लेकर पूरा दिन बाहर निकलना है कि मुझे सबको क्या देना है? हीलिंग देनी है।